Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं ग्रीन हेल. तो टाइम आ चुका है इस जंगल की कहानी को खत्म करके इस गेम को एंड करने का. ऑल राइट गाइस, तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में मुझे इन घने जंगलों के बीच में एक एयर स्ट्रिप मिली थी. मेन से एक छोटा सा एयरपोर्ट मिला था जहां पर एक रेडियो टावर था, और सबसे अच्छी बात कि उस रेडियो टावर में सिग्नल आ रहे थे. तो फिर उसके थ्रू ना मैंने कंट्रोल टावर में कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी जो वॉइस है वो उन तक पहुंच गई और हमारी उनसे वॉइस में बात भी हो गई. मैंने उन्हें पूरा बताया कि मैं एक जंगल में भटक चुका हूं, मुझे नहीं पता यहां से बाहर कैसे निकलना है. फिर तभी उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम्हारे साथ कोई है? तो मैंने उन्हें बताया हाँ, मेरे साथ मेरी मतलब इसकी वाइफ है. और इतना बताते ही उन्होंने कॉल कट कर दिया और बोला कि बस हम तुम्हारे लिए थोड़ी देर में ना यहाँ पर प्लेन भेज रहे हैं, वो आपको इस जंगल से रेस्क्यू करवा देंगे, तो बस थोड़ी देर इंतजार करो. उन्होंने कोई एक परफेक्ट टाइम नहीं बताया कि मुझे 10 मिनट रुकना है, 1 घंटा रुकना है, 2 दिन रुकना है, कुछ टाइम नहीं बताया. तो मैंने पूरी एक रात निकाल के वहाँ वेट करा. अगले दिन दोपहर तक हम लोग वहाँ बैठे रहे, बट कोई भी नहीं आया हमें बचाने के लिए. गाइस देखो, अभी ना मैं इस जंगल को ऑलमोस्ट पूरा का पूरा एक्सप्लोर कर चुका हूँ, बट अभी तक मुझे यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिला है. वो एक जगह जो मिली थी ना एयर स्ट्रिप, वही मेरी लास्ट उम्मीद थी. मुझे लग रहा था प्लेन आकर हमें ले जाएगा, बट वैसा भी नहीं हुआ. अगर मैं आप लोग को एक बारी मैप दिखाऊं और अपने कोऑर्डिनेट्स दिखाऊं, तो देखो इस टाइम पर हम लोग वेस्ट के 24 पे हैं और साउथ के 32 पे हैं. यानी ये वेस्ट है और हम लोग इसके 24 और साउथ का 32, यानी हम लोग इधर कहीं पर घूम रहे हैं. ये जगह भी मैंने चेक कर लिया, बट ये ओमोलू कॉरपोरेशन है और एक रेड वाली जगह है जहाँ पर अभी तक हम लोग नहीं गए. अगर मुझे यहाँ जाना है तो मुझे 30 यानी वेस्ट डायरेक्शन में मूव करना होगा. तो ये हो गया अपना वेस्ट. तो फटाफट से गाइस अभी ना हम लोग उस डायरेक्शन के लिए निकलते हैं. बट मैं एक काम करता हूँ यार, वैसे ना यहाँ का पानी बहुत गंदा है, पर एक काम करते हैं, ले लेते हैं भाई, कभी कभार गंदा पानी भी पीने के काम आ ही जाता है. वैसे अगर हम लोग चाहें तो इस पानी को ना बॉईल करके पी सकते हैं, तब फिर हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पानी बॉईल करने से साफ हो जाता है. बाकी भी मैं इस को काट लेता हूँ, क्योंकि ये एक टाइप से जड़ी बूटी है जो कि हमें इस जंगल से मिलती है. बाकी मुझे वेस्ट डायरेक्शन में मूव करते जाना है, पर आगे जाने से पहले ना मुझे थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये ब्लैक वाटर है, पक्का इसके अंदर कोई ना कोई क्रोकोडाइल होगा जो कि मुझे कभी भी आके खा सकता है. नॉर्मल जमीन पे तो वो बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, पर पानी के अंदर वो बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट होते हैं, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. बाकी हाँ, अभी फिलहाल मैं वो जगह पार करके यहाँ पर आ चुका हूँ. बट वेट गाइस, मुझे ना यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैंप मिला है. ये जगह कुछ वैसी सी है जहाँ से हमने अपना गेम स्टार्ट करा था. वेट भाई, यहाँ पर सोलर पैनल लगे हुए हैं बहुत सारे. हम लोग शायद से भी ओमोलू कॉरपोरेशन के कैंप पे पहुंच गए हैं. अमेजिंग, यहाँ पर कोई है तो नहीं ना? मैं अपनी बो बाहर निकाल लेता हूँ कि अगर कोई भी सामने हो तो फटाफट से मैं उसे ठोक डालूँ. बाकी मुझे लगता नहीं है यहाँ पर कोई है. बाकी इधर एक टेंट है, टेंट के अंदर मैं आ चुका हूँ. यहाँ पर ये बैग है, बैग भी अपना बंद पड़ा हुआ है. मैं से बैग, ओ वेट, यहाँ पर एक ऑडियो रिकॉर्डर है इसमें से. पता नहीं शायद से किसकी रिकॉर्डिंग है, जो लोग यहाँ पर आए होंगे रहने के लिए उनकी रिकॉर्डिंग है. बाकी मुझे यहाँ पर खाने पीने के बहुत ज़्यादा कैंप मिल चुके हैं और एक मैप भी मिल गया. वाओ, इस मैप से हमें आगे का कुछ ना कुछ मिलने वाला है. एक लेटर मिला है इसी, ये देखो भाई, ओमोलू कॉरपोरेशन का लेटर है. ओके ओके ओके, यहाँ पर एक कॉफ़ी पड़ी हुई है, इंस्टेंट कॉफ़ी. सामने एक प्रोजेक्टर है, क्या ये प्रोजेक्टर ऑन होगा या नहीं होगा पता नहीं. इधर भी एक ऑडियो रिकॉर्डर है, इधर लेटर्स हैं. भाई यहाँ पर तो सच्ची में वो लोग बहुत ज्यादा रह के गए हैं. काफी ज्यादा सामान भी मुझे मिल चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. ऑल राइट गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैंने ये वाला टेंट तो पूरा का पूरा चेक कर लिया है, और इस कैंप में ना सामने एक टेंट और है जिसके ऊपर काफी सारे सोलर पैनल लगे हुए हैं. तो एक बारी हम लोग वहां पर चल के उसे भी पूरा चेक करते हैं. बाकी यहाँ पर कुछ एम्प्टी कैंस रखे हुए हैं, कुछ सिलेंडर है. शायद से जो लोग यहाँ पर आए थे ना वो अच्छा खासा खाना पीना भी पका के खाते होंगे. बाकी अंदर क्या कोई एयर कंडीशनर लगा हुआ है? क्योंकि ये तो एयर कंडीशनर के लिए ही लगता है ऐसे. बाकी हाँ, मैं इसके अंदर, ओ वाओ, इसके अंदर जाने के लिए एक डोर है जिपर में. ओके, तो अभी फिलहाल हम लोग इस टेंट के अंदर आ चुके हैं. बट ये जो टेंट है ना, मुझे थोड़ा बहुत हॉरर सा लग रहा है भाई, पता नहीं क्यों. कोई अंदर है तो नहीं ना भाई जो मुझे मारने के लिए बैठा हुआ है? बाकी वाओ,
जब भी हम लोग यहाँ से अंदर बाहर जाएंगे हमारी पूरी बॉडी सैनिटाइज होगी। अमेजिंग। ओके तो अभी हम लोग उस लैब में आ चुके हैं, मीन्स ये जो ओमलू कॉरपोरेशन का कैंप है उसकी लैब में आ चुके हैं। बाकी यहाँ पर ना कुछ ऑडियो रिकॉर्डर्स हैं और काफ़ी सारे एनिमल्स को मार के उनकी बॉडीज यहाँ पर रखी गई है। मुझे ना पहले ये लेटर्स, ये सारे ऑडियो सुनने होंगे। बाकी एक बारी ना मैं अंदर भी चल के चेक कर ले रहा हूँ, जो होगा ना तुरंत उसका मुंह फोड़। कोई भी नहीं था, चलो ठीक है, मैं अपना स्पीयर वापस उठा लेता हूँ। यहाँ पर भी एक लेटर है, इसे पढ़ लेते हैं पहले। ये ओमलू कॉरपोरेशन का ही लेटर है। खैर मुझे इसे ज़्यादा कुछ खास रीड करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे यार यहाँ पर ना एक टोटो टॉयज की भी पूरी बॉडी पड़ी हुई है, एक अलग अलग शेल पड़े हुए हैं। मैं एक बार ये ऑडियो सुनता हूँ, इसमें क्या है। डॉक्टर स्मिथ शायद यहाँ पे था। रिपोर्ट नंबर 26। ओके ओके गाइस, तो अभी जो मेरे दिमाग में स्टोरी को लेकर कंफ्यूजन चल रही थी ना कि आखिरकार मैं ये जंगल में क्या कर रहा हूँ, मियाँ को ढूंढने में लगा हुआ हूँ, यहाँ से एस्केप करने में लगा हुआ हूँ, लेकिन ना मैं एस्केप कर पा रहा हूँ ना मुझे मियाँ मिल रही है। और अभी ये जो पूरा डाउट था ना ये मेरे दिमाग से क्लियर हो चुका है। मतलब कि इस जंगल में ना गाइस हम लोग एक क्योर ढूंढने के लिए आए थे, एडवेंचर पे नहीं आए थे। मतलब मैं आपको पूरी स्टोरी क्लियर करता हूँ कि ये जो अपना करेक्टर है ना जेक हिगिन, आज से कई साल पहले ये इस जंगल में आया था और ये ट्राइब के बंदों से मिला था। मतलब जो ट्राइब में विलेजर्स होते हैं उनसे मिला था और इसको मालूम पड़ा कि जो ट्राइब के लोग हैं ना इनके पास हर एक बीमारी का इलाज है। मतलब ये लोग हर एक बीमारी से इम्यून है, वो भी जड़ी बूटियों से, मतलब पेड़ पौधे से ही अपने आप को पूरा इम्यून कर लेते हैं। तो फिर जेक हिगिन्स ने यानी अपने ही करेक्टर ने उनसे वो सीक्रेट्स पता करने की कोशिश करे कि आखिरकार तुम लोग ऐसा क्या करते हो कि तुम्हें कोई भी बीमारी नहीं होती, और अगर होती भी है तुम्हें सांप वाप काट लेता है या कैंसर वगैरह कुछ भी हो जाता है तो तुम अपने आप ही कैसे ठीक हो जाते हो। तो फिर उन ट्राइब के बंदों ने वो जो सीक्रेट्स हैं ना वो जेक हिगिन्स को नहीं बताए, बट फिर भी इसने चुपचाप से ना काफ़ी सारे उनके सीक्रेट्स पता करे और शहर वापस आके ना उन सभी के ऊपर एक बुक लिख दी कि जो इस जंगल में यबुहाका विलेज के लोग हैं, जो ट्राइब वाले लोग हैं, उनके पास हर एक बीमारी का इलाज है। और काफ़ी सारे सीक्रेट्स इसने बता भी दिए कि वो लोग ऐसे ऐसे खाते हैं, ये करते हैं, ये वाली जड़ी बूटी लगाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो इससे क्या हुआ कि लोगों ने जब ये चीज़ें टेस्ट करी, बीमारियां लोगों की ठीक होने लग गए, नॉर्मल इंसान भी सारे के सारे ठीक होने लग गए। आप लोगों ने देखा होगा लास्ट रिचुअल में हमें टीवी पे ऐसे न्यूज़ व्यूज़ कुछ आ रही थी जेक हिगिन्स के ऊपर, तो वो यही था कि जेक हिगिन्स ने जो बुक लिखी है ना उससे सब लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है। लेकिन इसके बाद पता है प्रॉब्लम क्या हुई, जैसे ये बात बाकी लोगों को मालूम पड़ी ना कि ट्राइब के जो बंदे उन्हें सारे सीक्रेट्स पता है बीमारी से बचने के, तो जितने भी बंदे थे, जितने भी ऐसे कॉरपोरेशन वाले थे, उन सबकी नज़र यबुहाका विलेज पे पड़ी और उन सभी ने आके उनसे सीक्रेट्स पता करने शुरू कर दिए। तो इससे जो ट्राइब के बंदे थे ना उनका रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया और वो इंसानों से चिढ़ने लगे। तभी आपने देखा होगा जैसे ही वो लोग हमें देखते हैं हमें सीधा मारने के लिए आते हैं, तो उसके पीछे का रीज़न यही है, वो ऐसे कोई मॉन्स्टर नहीं है, वो भी एक नॉर्मल इंसान ही है, बट वो हमसे इसीलिए चिढ़ते हैं क्योंकि हम लोग हमेशा उनके पास अपने काम के लिए आते हैं और उनको नॉर्मल इंसान के साथ रहने का इसीलिए बिल्कुल भी मन नहीं करता। बाकी आप लोग भी सोच रहे होगे यार यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, इसमें दिक्कत क्या है। तो दिक्कत यह है कि जो जेक हिगिन्स ने पहले बुक लिखी थी उसमें बीमारियों का इलाज था, उस बुक से लोग ठीक तो हो गए बट फिर कुछ सालों बाद ना वो सारे के सारे लोगों को इन्फेक्शन होने लग गया, वो सारे इन्फेक्टेड हो गए और फिर मरने भी लग गए। मतलब कि एक टाइम के लिए ठीक हो गए इनको, जो जिसको कैंसर था, जिसको कोई भी बीमारी थी वो भी ठीक हो गई, बट कुछ टाइम बाद उन सबको इन्फेक्शन होने लग गया। और अभी ना गाइस हमें उसी इन्फेक्शन का भी इलाज ढूंढना है और शायद से जो मियाँ है वो भी इसी बीमारी में आ चुकी है। मतलब वो भी ठीक हो गई थी बट वो भी अभी ख़राब हो चुकी है। मुझे करना क्या होगा। यहाँ पर ना मैंने एक नोट पढ़ा था, इस नोट में ना ये देखो यहाँ पर एक क्योर लिखा हुआ था, मैं दिखाता हूँ। अब पता नहीं ये वही वाला क्योर है, मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें ये देखो गाइस ये है वो मशीन जहाँ पर आज हम लोग पहुँच चुके हैं और इसी मशीन के थ्रू हमें वो क्योर बनाना है जिससे कि सारे के सारे लोग जो हमारी वजह से इन्फेक्टेड हो गए हैं वो ठीक हो जाएं, क्योंकि उसी सब का प्रेशर अब हमारे ऊपर आ रहा है। सब लोग हमें ब्लेम कर रहे हैं कि जेक हिगिन्स की वजह से वो बीमार पड़े हैं, मतलब इन्फेक्टेड हुए हैं और मारे गए हैं। बाकी इसके अंदर मुझे इन्फेक्टेड ब्लड का सैंपल डालना है। ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने सुनी है ना इसमें वही सारे केस हैं कि जो जो बंदे बीमार हो रहे हैं हमें उसमें से किसी एक बंदे का ब्लड चाहिए होगा और वो यहाँ पर पड़ा भी हुआ है। तो भी फटाफट से इन्फेक्टेड ब्लड का सैंपल लेते हैं
और वो मुझे डालना है इसके अंदर कुछ इस तरीके से, और अभी मुझे यहाँ पर क्योर के लिए वो चीज लगानी है। तो अभी ना गाइस मैंने थोड़ा बहुत फूड खा के अपना पेट भी भर लिया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मुझे इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज लगानी चाहिए जिससे कि हमें वो एक परफेक्ट क्योर मिल जाएगा जिससे मियाँ ठीक हो सकती है। मेरे पास ये वाली लीव्स हैं, ये लीफ में, बट इन लीफ से कोई भी क्योर नहीं होता। उल्टा ये जो है ना टोबैको ड्रेसिंग, ये तो खैर हाथ पे पहनने के लिए होती है, बट अगर मैं इसके अंदर लिली लीव्स लगा दूंगा तो शायद अपना काम हो जाएगा। लेट्स गो। लिली लीफ लग चुकी है और हमें क्योर भी गाइस समझ लो मिल गया है। अब इस क्योर से हम लोग हर एक बंदे को ठीक कर पाएंगे, और फिर जो हमारे ऊपर ब्लेम आ रहा है ना कि भाई तुम्हारी वजह से ही हम सारे के सारे इन्फेक्टेड हो रहे हैं, वो ब्लेम हमारे ऊपर से हट जाएगा। लेट्स गो। फेल, फेल का भी ऑप्शन था क्या? मुझे लग रहा था जो चीज इसके अंदर लग गई वो परफेक्ट ही होगी। यार अगर इसके अंदर गलत चीज भी लग रही है तो ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे इसके अंदर ला के लगानी है और क्योर ठीक हो जाएगा? मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सारी सही से ढूंढ ली है, सब कुछ एकदम सही से पता कर लिया है। ऐसी कौन सी चीज है यार जो इसके अंदर क्योर ठीक? ओ वेट, मुझे एक सेकेंड, मेरे पास ये जो नोटबुक है ना इसके अंदर हर एक चीज का क्योर हमें मियाँ ने बता रखा है, और कुछ चीजें मेरे को अभी भी याद है। जब अपनी गेम स्टार्ट हुई थी ना तो गाइस मियाँ ने हमें पहले बताई थी। रुक जाओ अभी ना, फिलहाल गाइस मैं कैंप के बाहर आ चुका हूँ क्योंकि इस टाइम ना मेरी बॉडी को वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत है, टाइम भी काफी ज्यादा हो चुका है। तो फटाफट से ना एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत पहले पानी पी लेते हैं। बट यार मैं ना ये गंदा पानी नहीं पीने वाला हूँ क्योंकि मेरा इससे पूरा का पूरा पेट खराब हो जाएगा। गाइस देखो अभी ना फिलहाल मैंने पूरी की पूरी ये नोटबुक रीड कर लिया है, बट मुझे इसके अंदर कोई भी क्योर नजर नहीं आ रहा है जो कि हमें मियाँ ने बताया हो। वैसे हो सकता है कि मियाँ हमें अब बता दे उस क्योर के बारे में, तो एक बारी मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ। प्लीज, मैंने उसे बोला है मियाँ कम इन प्लीज, बट रिप्लाई नहीं आया इस बारी। मियाँ कम इन प्लीज। हेलो भाई, वो रिप्लाई नहीं दे रही है। डोंट लीव मी, प्लीज कम इन। गाइस अभी ना मैंने बहुत कोशिश कर ली है मियाँ से कॉन्टेक्ट करने की, बट पता नहीं हो रहा। मैं जितनी बार भी उससे बात करने की कोशिश, ओ लो भाई मेरी वॉकी टॉकी की बैटरी भी डाउन हो गई, और अभी वापस सोलर बैटरीज है इसमें, तो चार्ज हुआ है 11%। प्लीज मिया, आई नीड यू। मैंने लास्ट ट्राई करा और अभी मेरा वॉकी टॉकी की बैटरी 2% हो गई है। धूप भी नहीं निकल रही, अब तो ये चार्ज भी नहीं हो पाएगा, और मियाँ से हमारी बात नहीं हो पा रही है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा यार आखिर इस चीज़ का क्योर है क्या, मतलब ऐसा क्या चीज़ उसके अंदर मैं ला के लगाऊँ जिससे वो ठीक हो जाए भाई, पता नहीं। गाइस वेट, आप लोग को याद होगा कि काफी टाइम पहले हम लोगों ने एक नोटबुक का पेज पढ़ा था, और उस नोटबुक के पेज में ना ब्लू डार्ट फ्रॉग के बारे में लिखा हुआ था कुछ इस टाइप से। तो क्या हमें एक ब्लू डार्ट फ्रॉग की जरूरत है? पॉइजन वाले जो फ्रॉग होते हैं, आपने देखा होगा जब हम उसे उठाते तो हमारी बॉडी में एक पॉइजन सा आता था। बाकी यार यहाँ पर ना मुझे कुछ मशरूम मिल चुके हैं, और इस टाइम पर मेरी बॉडी को ना पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी यहाँ पर एक ये वाली वाइन्स है, ये भी कलेक्ट कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा काम आती है। कलेक्ट हो गई ना? हाँ ठीक है। तो मुझे बस ऐसे कुछ लग रहा है कि बाकी यार यहाँ का पानी पीते हैं, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, मुझे ना अभी चल के सोना चाहिए। लेकिन वो जो फ्रॉग है मैं लेने कहाँ पर जाऊँगा, क्योंकि मिल तो जाते हैं नॉर्मली, बट इस जगह पर मुझे अभी तक एक बार भी कहीं पर फ्रॉग नहीं नजर आया। अब मैंने गंदा पानी पिया तो मुझे ये थोड़े मशरूम खाने होंगे। बाकी थोड़ा सा पानी मैं इसमें भी भर लेता हूँ। कुछ खाते पीते हैं, चल के सोते हैं, और नेक्स्ट डे फ्रॉग को ढूंढते हैं। और अगर वो फ्रॉग इसके अंदर लग गया और अगर क्योर बन गया ना, तो शायद से हमारे ऊपर जो ब्लेम लगा हुआ है ना सबको बीमार करने का और दुनिया भर के सारे ब्लेम, ये सब ठीक हो जाएंगे। फिलहाल अभी मैं सोकर उठ चुका हूँ, और इस टाइम ना मेरी बॉडी को बहुत ज़्यादा खाने की भी ज़रूरत है, प्लस बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही है। बट अभी पता प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास एक भी कोकोनट बाउल नहीं है कि जिसमें मैं पानी भर के पी सकूं। ये मेरे पास एक बाइडन है जिसका पानी लीक हो गया। क्या भाई मैंने इसमें पानी भरा था, पानी कहाँ चला गया सारा? रुक जाओ मैं यहाँ से ना थोड़ा बहुत पानी पीता हूँ। फूड भी मेरे पास पड़ा हुआ, मैं खा लूँगा। लेट्स गो। अभी फिलहाल मैंने गंदा पानी पी लिया, मेरी बॉडी में प्रॉब्लम हुई है, बट ये जो ब्लू एंड येलो वाले मशरूम होते हैं ना इससे वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। बाकी ये है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, मेरे को थोड़ा बहुत फूड खाना है। बस थोड़ा बहुत फूड भी मैंने खा लिया है, और फूड के नाम पे मैं बस अभी फ्रूट्स ही खाने वाला हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर अभी खाना पकाने नहीं बैठूंगा। बाकी यार मुझे ना अभी फ्रॉग्स ढूंढने हैं। फ्रॉग मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं नजर आ रहा है। ओ वेट वेट, मुझे यहाँ पर फ्रॉग दिखे। ये कौन सा फ्रॉग है? पॉइजन डार्ट, यही तो चाहिए। ओ पेस्की, मैंने एक फ्रॉग ले लिया है, एक ग्रीन वाला लेते हैं, इसको मारा। ये वाला फ्रॉग भी मैंने उठा लिया है। अभी ना गाइस जल्दी से चल के हम लोग इस फ्रॉग को उस मशीन में लगाते हैं और देखते हैं कि अपना काम। ओबे यार रुक जाओ, इस फ्रॉग ने तो पूरी की पूरी बॉडी की बैंड बजा दी, मैं इसकी काटता है क्या ये? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं अपने पैर वैर में, अरे हाय भाई कितने सारे कीड़े चिपके हुए हैं। रुक जाओ,
इसको उठा उठा के मैंने फेंका। ये वाला पैर तो मेरा ठीक है, दूसरे पैर में भी फ्रॉग ने कोई प्रॉब्लम नहीं करी है। हाथ, ओ ये क्या हो रखा है मेरे हाथ में, रुक जाओ, शायद इसको इसमें मेरे को नॉर्मली ड्रेसिंग करनी है। हाँ ठीक है, ओके। तो अभी ना धीरे धीरे मेरा हाथ तो ठीक हो जाएगा, बाकी मुझे ना बुखार हो रहा है। मेरे पास कुछ पेन किलर्स हैं, ये मैं खा के अपना बुखार भी ठीक करता हूँ। फीवर पूरा खत्म हो जाएगा, अब हो चुका है। फिलहाल अभी अंदर चलते हैं हम लोग। ऑल राइट, तो वापस से मैं ओमोलू कॉरपोरेशन के इस वाले टेंट के अंदर आ चुका हूँ। बॉडी को भी सैनिटाइज कर लिया है, और फटाफट से इस जगह पर ना मुझे ये फ्रॉक के सैंपल को रखना है। तो ये वाला अपने पास जो फ्रॉक है इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। और मेरे पास शायद से ट्राइब के बंदे आए हैं आसपास। ये जो म्यूजिक बज रहा है ना, ये मैक्सिमम टाइम तभी बजता है जब अपने पास अपने ऊपर खतरा होता है। भाई मुझे इस टाइम पे कोई खतरा नहीं चाहिए। बाकी वाली मशीन प्लीज हो जा जल्दी से यार, इस बार फेल क्यों हुआ भाई इस बार भी। वेट, वो वाला जो फ्रॉग था वो मैंने मरा हुआ डाला था कहीं, इसलिए तो नहीं जिंदा फ्रॉग डाल के देख। अबे कहाँ चला गया, अबे फ्रॉग गिर गया भाई नीचे, रुक जाओ। हेलो भाई फ्रॉग, अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो ये पूरे में भाग रहा है इधर वापस। अबे यार मुझे एक और पेन किलर खानी होगी, दोबारा से बुखार हो गया। ठीक है ये खाता हूँ, बाकी पॉइजन इसने चेक करना होगा कहाँ काटा है। मैं इसकी टांग, एक फ्रॉग ने दो बारी काट लिया। मेरे पास सारी की सारी बैंडेजेस भी खत्म हो चुकी है, मुझे नई बनानी होगी। फिलहाल इस फ्रॉग को मैं यहाँ पर डालता हूँ, और अगर ये नहीं हुआ ना मैं डिस्प्ले तोड़ दूंगा ये वाली यू मार के। ठीक है ना, अभी तो नीचे मारी थी यू करके, अगली बार इस डिस्प्ले पे ही पड़ेगी। बाकी यार देखते हैं, अगर ये हो गया ना शायद से फिर हम लोग पूरे के पूरे ठीक हो जाएंगे और अपनी गेम भी एंड हो जाएगी। मुझे नहीं पता था, सक्सेस, लेट्स गो। हमें क्योर मिल चुका है भाई, वो जो नोट का पेपर था उसी से। मियां को मैसेज भेजा है बट रिप्लाई, हमने पूरा क्योर ढूंढ दिया बट मियां का कोई रिप्लाई नहीं है। वाव यार ये क्या सीन है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे लग रहा था कि अभी मियां का मैसेज आएगा, वो अपनी करेक्ट लोकेशन बताएगी और हम लोग उसे जाके ठीक कर देंगे, क्योंकि जो हमने रिचुअल देखे थे उसमें ये देखने को मिला था कि मियां भी मतलब हॉस्पिटल में है। पता नहीं आ रही क्या ही सीन है। बाकी अभी ये वाली जगह अपनी हो चुकी है, मुझे ना शायद अभी इस जगह पे चलना चाहिए। यहाँ पर कोई ना कोई रिचुअल जरूर होगा जिससे हमें आगे के क्ल्यूज पता चलेंगे। बाकी मुझे, ओ भाई वेट, अबे तू पागल है क्या, निकल यहाँ से, पास है तेरी, भाग यहाँ से। मर गया ना, चेक कर लूँ एक बारी, जो इसको चेक कर लेते। मर गया शायद से मर गया। ठीक है, सांप भी है क्या, ठीक है। तो गाइस अभी मैंने इस बड़े से क्रोकोडाइल को मार दिया है, मुझे नहीं लगता मुझे इसकी पूरी की पूरी बॉडी काटने की जरूरत है। मुझे फूड नहीं खाना फालतू, मुझे अभी बस मियाँ को ढूंढना है। बाकी यहाँ पर मेरी बॉडी में कुछ कीड़े चिपक चुके हैं, वो इस क्रोकोडाइल में चिपके रहे होंगे और मेरी बॉडी में आ गए इसकी वजह से कि नहीं। अभी हाथ में क्या हो रहा है ये, रुको, अपने हाथ में वो जो फ्रॉग ने काटा था ना उसी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है यार। बाकी ठीक है, इतनी बड़ी भी प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप ठीक हो क्या जाएगी, अपने आप ठीक हो भी गई वो। फटाफट से अपनी बॉडी को धो लेते हैं। सामने ये फिश है या क्रोकोडाइल, नहीं फिश थी, ठीक है। फिलहाल अभी ना मुझे यहाँ से आगे चलना चाहिए, मुझे वेस्ट डायरेक्शन में ही मूव करना है, और वेस्ट है ये वाली, तो यानी कि मुझे अभी यहाँ से सीधा सीधा जाना है। एक ही क्रोकोडाइल था ना जो मेरा डाउट था ना दिमाग में कि इस पानी में पक्का होगा, और एट द एंड मुझे यहाँ से निकलते निकलते वो मिल गया। फिलहाल अभी मुझे यार मैं वेस्ट डायरेक्शन में कहाँ से जाऊँगा, सामने तो इतना बड़ा माउंटेन है, इस माउंटेन को मैं पार कैसे करूँगा, मुझे बहुत ज़्यादा घूम के आना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। बाकी इस साइड पे ना सामने, ओ वेट, सामने वो देखो क्लाइंबिंग हुक लगाने का है, पर वो बहुत ज़्यादा ऊपर है। वैसे मैं लास्ट टाइम पे एक क्लाइंबिंग हुक वाली गन मिली थी, शायद वो यहाँ पर यूज होने वाली है। लेट्स गो, एक बंदे को जब हमने देखा था कि वो मरा हुआ है, तो उस बंदे से हमें ये क्लाइंबिंग हुक वाली गन मिली थी जिसके थ्रू अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं। बाकी यहाँ पर एक बारी और जा सकते हैं ऊपर, लेट्स गो। ओके, तो अभी फिलहाल मैं ऊपर चढ़ के काफी ज्यादा आगे आ चुका हूँ यार, थोड़ा बहुत खाने पीने को मिल जाए काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा यार, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मेरे पास इस टाइम पे कच्चा मीट पड़ा हुआ है उस क्रोकोडाइल का, और थोड़े बहुत ये हैं, ये भी खा लेता हूँ यार, ठीक रहेगा। बॉडी थोड़ी बहुत गंदी हो रही है, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस कीड़ों को हमारी बॉडी में चिपकने में बहुत ज़्यादा मज़ा। ओ नाइस, किस्मत हो तो ऐसी हो। कोकोनट मुझे यहाँ से मिल चुका है, पहले इसका पानी पियेंगे, बाद में इसे तोड़ेंगे, इसे खाएंगे भी, और अब इसके दोनों बाउल में उठा के अपने साथ रखने वाला हूँ, क्योंकि अगर कभी भी खाने की जरूरत पड़ती है ना तो फिर यही काम आता है। तो फटाफट से मैं इसे उठा लेता हूँ, और कोकोनट बाउल भी मिल गए, और भगवान जी ने भी ऊपर से कहा कि बस मैं अभी बारिश करवा रहा हूँ, बिजली कड़क चुकी है। बाकी यहाँ पर ना सामने भी एक रास्ता जा रहा है, लेफ्ट साइड में भी एक रास्ता जा रहा है। पहले लेफ्ट जाऊँ या पहले राइट जाऊँ, इधर चल के देख लेते हैं। यहाँ ये जगह मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों जैसे मुझे ये जगह वापस ले जा रही हो, पता नहीं यार, मतलब एक बारी मैं ऐसे उतर के देखता हूँ। क्लाइंबिंग हुक वाला है, पहले मैं दो हुक चढ़ के ऊपर आया, और अभी मैं एक हुक उतर के नीचे जा रहा हूँ उसी जगह पे वापस जहाँ से मैं आया हूँ। एक बारी और आगे चल के, ओ तेरी,
गाइस सामने मुझे एक कैंप और मिल गया। अभी ये वही वाला कैंप तो नहीं है जहाँ, मतलब वो ओमोलू लैब वाला कैंप जहाँ से अभी हम लोग आए हैं। पता नहीं देखने में लग भी रहा है नहीं भी लग। वेट, ओ भाई साहब, तो गाइस अभी हम लोग उस जगह पे वापस आ चुके हैं जहाँ से अपना गेम स्टार्ट हुआ था। ये देखो भाई, एक चीज आपने नोटिस करी, ऐसा लग रहा है जैसे इस कैंप को जलाया गया हो। मतलब यहाँ पर इतना सारा सामान था अंदर, सारा का सारा सामान यहाँ से गायब है। हो सकता है अंदर कोई ट्राइब का बंदा हो, कोई भी नहीं है वैसे अंदर। टाइम कितना हो रहा है, मुझे सोना चाहिए, बारिश बाहर बहुत तेज हो रही है। थोड़ी देर सोते हैं, जैसी बारिश बंद हो जाएगी उठ के आगे बढ़ेंगे। ओके गाइस, तो शायद से बाहर बारिश कम हो चुकी है और शायद से बंद ही हो चुकी है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। बाकी यार मैं उस जगह पे वापस आ गया जहाँ से अपना गेम शुरू हुआ था, मतलब एकदम फर्स्ट एपिसोड वाली जगह ये। पर यहाँ पर आके क्या फ़ायदा, अभी हमें यहाँ से एस्केप करना है। मतलब मुझे मालूम है यहाँ से पीछे एक जगह थी जहाँ से हम लोग रस्सी से चढ़ के ऊपर आए थे, बट वो जगह मेरे हिसाब से नहीं है एस्केप वाली। तो इसीलिए मुझे अभी यहाँ से टनल है के नहीं, मुझे एक बार ही ना राइट साइड में ही जाना होगा, क्योंकि ये तो वो जगह है जहाँ से शुरू हुए थे। मियाँ आगे गई थी, हमें मियाँ को भी ढूंढना है भाई, क्यों और हमने ढूंढ लिया है, तो हमें मियाँ को बचा के यहाँ से आगे जाना है, ठीक है ना। तो अगर एक बार को हम लोग यहाँ से बाहर भी निकल जाते हैं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसीलिए मैं एक काम करता हूँ कि अभी ना फटाफट यहाँ से लेफ्ट साइड में चलता हूँ। बाकी यार ऊपर से कोकोनट वगैरह गिरते रहेंगे तो कितना ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना, हमारी बॉडी को लिक्विड भी मिलेगा, फूड भी मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी आगे एक टनल है या फिर रास्ता बंद है, मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं ऐसा लग रहा। ओ वेट, लग नहीं रहा ऐसा है, यहाँ पर एक छोटी सी अजीब सी टनल बनी हुई है। काफ़ी ज़्यादा अजीब सा रास्ता है जिसपे मैं जाता जा रहा हूँ। भाई अंदर कोई बिच्छू या सांप ना हो, भाई तू डरा मत यार, पूरे में घूमते रहता है, आवाज़ निकालता वो सांप की तरह। बाकी अभी मैं काफ़ी ज़्यादा आके आ चुका हूँ, मुझे इतना तो क्लियर है मैं किसी ना किसी बहुत सही रास्ते पे जा रहा हूँ, और शायद से मैं मियाँ के बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, क्योंकि इस पूरा जंगल मैंने एक्सप्लोर कर लिया और एक यही लास्ट जगह बची है। अगर यहाँ पर भी नहीं है तो समझ लो फिर वो कहीं पर भी नहीं है। बाकी यहाँ पर कुछ ये रेड वाले मशरूम है, अगर ये मशरूम है ना अपने पास तो समझ लो हम गंदा पानी भी पी सकते हैं, क्योंकि गंदा पानी पीने के बाद जो हमारी बॉडी में कुछ गंदे मटेरियल जाते हैं ना, वो फिर इस मशरूम को खाने के बाद सारे के सारे क्लियर भी हो जाते हैं। खैर अभी, ओ वेट, ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ, और सामने तो एक बहुत बड़ा विलेज है भाई। क्या यहाँ पर रिचुअल होगा, अगर यहाँ पर कोई रिचुअल छोड़ो, यहाँ पर बस हमें मियाँ ही मिल जाए वो भी एकदम मस्त है। ओ सामने से एक कोकोनट गिरा, थैंक यू सो मच भगवान, मुझे इसी की तो ज़रूरत थी अभी इस टाइम पे, मुझे बहुत पानी पीना है। लेट्स गो, इसे फोड़ते हैं। अबे फूटना, इसमें से अभी हम लोग बस पानी पियेंगे। ओके बाकी इसे फोड़ के इसमें से जो फूड है वो भी खा लेता हूँ। लेट्स गो भाई, देखो रिचुअल तो हो सकता है, लेकिन रिचुअल के लिए ना ये वाला जो पौधे होते हैं इसकी पत्तियाँ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो ये मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी ना एक चीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा है, हो सकता है इस वाले विलेज में बहुत सारे ट्राइब के बंदे हो जो कि हमें मारने के लिए बैठे हों, तो जैसे मैं जाऊं तो मेरे ऊपर एक अटैक भी हो सकता है, तो मुझे पहले से ही थोड़ा बहुत प्रिपेयर रहना है कि अगर वो लोग मेरे ऊपर अटैक करते हैं तो मैं भी उनका मुंह फोड़ डालूं, ठीक है ना। बाकी अभी मैं काफ़ी ज़्यादा आगे तक पहुँच चुका हूँ, भाई रुक जाओ, मुझे थोड़ा बहुत तो डर लग रहा है इस विलेज में जाने से। पर ये विलेज पूरा का पूरा खाली है, ये यबुहाका वाला यही है क्या गाइस, यबुहाका विलेज। ऊपर से कुछ गिरा, ब्राज़ील नट काम आता है बट अभी मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है। फाइनली गाइस मैं इस विलेज पे पहुंच गया हूँ, कोई है तो भाई कैसा कैसा म्यूज़िक बज रहा है भाई, जो भी हेडफोन लगा के देख रहे हैं ना भाई उनको भी पता चला होगा कैसी बांसुरी सी बजी है ना, पूरा शरीर हिल गया है। बाकी अंदर तो मैं आ चुका हूँ, यहाँ से अंदर नहीं जा पाऊँगा मेरे को लग रहा है। हाँ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो, अभी इसकी एंट्रेंस कहाँ है कि चारों तरफ से घेर के बंद ही कर रखा है ये, मैं चढ़ के भी ऊपर नहीं जा सकता। ओके गाइस, तो अभी फिलहाल मैं पूरा का पूरा पीछे से घूमता हुआ यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, और भाई देख लो जो भी इस विलेज में है ना, पहली बता दे रहा हूँ भाई मुझे यहाँ नहीं दिख रही है, ठीक है, खाली पीली चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यार मियाँ यहाँ पर भी नहीं है, और एक अच्छी चीज़ यहाँ पर गाइस रिचुअल बाउल है, यानी कि हमें यहाँ पर बस अब लकड़ियाँ लगा के एक रिचुअल कंप्लीट करना है, और लकड़ियाँ लेने भी कहीं नहीं जाना है, यहाँ पर एक पूरा का पूरा वुडन लॉक पड़ा है, इसी में से लकड़ियाँ निकालते हैं। लेट्स गो, ये भी तोड़ूंगा, ये भी तोड़ूंगा, स्टिक कलेक्ट करूंगा। यहाँ पर भी एक वुडन लॉक पड़ा हुआ है, ये भी तोड़ के स्टिक्स कलेक्ट करते हैं। तो अभी ना मुझे यहाँ पर बस एक कैंप फायर बनाना है और फिर अपना काम हो जाएगा। कैंप फायर बनाने के लिए मुझे जाना है नोटबुक में,
और इसके थ्रू बस मुझे यहाँ पर कैंप फायर प्लेस करना है और इसके अंदर फटाफट से मुझे बहुत सारी स्टिक्स लगा देनी है जो कि मैंने अभी इकट्ठी करी है। ये हो चुका है, अब मुझे इस कैंप फायर में आग लगानी है। भाई पीछे से कोई मारने मत आ जाना, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे ही मैं ये रिचुअल स्टार्ट करूँगा मुझे कोई ना कोई पीछे से मारने के लिए आने वाला है। खैर छोड़ो यार, मरना होगा तो मर जाएंगे, नहीं मरना होगा नहीं मरेंगे। हैंड ड्रिल यूज़ करते हैं, मेरे पास ड्राई लीफ है ना, वाओ मेरे पास ड्राई लीफ नहीं है, मुझे ना अभी कुछ सूखी पत्तियां ढूंढ के लानी है। वैसे पूरा का पूरा जंगल सूखी पत्ती से भरा हुआ है, लेकिन आज जरूरत है तो दूर दूर तक एक सूखी पत्ती नजर नहीं आ रही है। ओके, तो अभी मुझे यहाँ से समझ लो ड्राई लीफ भी मिल चुकी है, फटाफट उठाता हूँ। यार अभी ना बहुत जोरों की बारिश भी हो रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस बारिश की वजह से अपना रिचुअल कंप्लीट ना हो पाए। खैर ट्राई करते हैं, अगर आग लग जाएगी इसके अंदर तो रिचुअल कंप्लीट होने से कोई रोक नहीं सकता। वैसे भी वो चीज़ कवर है, आग लगनी तो चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए। मीन्स फिलहाल जल्दी से हमने हैंड ड्रिल यूज़ करी है। अपनी बॉडी में स्टैमिना है, वरना अगर स्टैमिना नहीं होता ना तो हम लोग आग भी नहीं लगा सकते इसमें। बाकी यहाँ पर आग लगाई, सब हो चुका है, मुझे भी बस फटाफट से रिचुअल स्टार्ट करना है। ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग। ओके, तो अभी हमने आए बाउल उठाया और ये लिक्विड पी लिया और अब सब कुछ पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी थोड़ी देर के लिए। वो बच्चा नहीं आया, मियां की आवाज आई इस बार। ओके अगेन, इज दैट व्हाट यू वांट? कुछ समझ ही नहीं आया, क्यों? नो नॉट अगेन, मतलब हम क्या चाहते थे इसमें, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। ओके Just tell me what happened. पूरा अंधेरा हो चुका यार। You cured me. You gave me back hope. Yes. I could taste and smell again. Okay. I could eat without. मियां को लंग कैंसर था। Those were the best 6 months of my life. अच्छा। समझ गया मैं, यानी कि जब हमने मियां को ठीक करा था, जब हम पहले, मैंने बताया था ना कि एक बारी जेक हिगिंस पहले आया था इस विलेज में और उन आदिवासियों से पता करके गया था क्योर कि वो कैसे इतना ज़्यादा इम्यून एकदम सेफ रहते हैं। तो मियां को लंग कैंसर था और फिर उसका लंग कैंसर जेक हिगिंस ने, मतलब इस गेम के करेक्टर ने ठीक करा, बट उसके बाद शायद मियां सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक ही ठीक रही और उसके बाद वो दोबारा से इन्फेक्टेड हो गई। यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे हो वेलकम होम मियाम, यानी जब वापस आई थी तो उसके लिए केक काटा था और वो खुद कह रहे हो उसके बेस्ट 6 मंथ थे। But Jake, I feel it coming back. I'm afraid of it. Okay. I lived but felt dead. मतलब I can't go through all that again. ये वही कह रहे हैं कि वापस आने के बाद ये जिंदा तो थी बट डेड के बराबर ही थी। Seconds stretch into hours, and I'm just waiting. I'm just waiting to die. ये देखो, ये देखो, ये देखो। इसमें एक हैंक है, इसमें ब्लड है। बट इसमें हमने थोड़ी कुछ गलत करा है यार। पर हाँ, वो जो बुक लिखी है ना, वो ही अपनी सबसे बड़ी गलती थी। Every patient of a Molochor became. ये देखो, इससे क्या हो गया? Everyone was infected. Everyone. Even you. हम भी इन्फेक्टेड हैं, मतलब एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि मियां और मतलब वो जो बुक लिखने के बाद जितने बंदों ने हमारी बात मानी उन सभी की मेन डेड का रीजन हम बन गए। तो शायद से मेरे हिसाब से भी मियां मर चुकी है और मुझे ओके मतलब क्लियर हो गई है अभी मेरे को 85% स्टोरी। और ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ, सामने मियाँ ही है क्या? अच्छा, मैं उसी वाले विलेज में हूँ जहाँ पर मैं अभी था। हाँ, ये वही वाला विलेज है जो ट्राइब के लोग मरे हुए हैं। एवरीथिंग वी डू, ओ वेट, अब भी समझ आया। ओके 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 ओके, स्टार्टिंग I sold their secrets. Oh my God. Book की वजह से? Is that because of my book? Yes. It's easier not to remember. Okay, अभी मुझे clear हो गया.
Do you even remember? तो जो जेक हिगिंस ने बुक लिखी थी, उस बुक के लिखने के बाद कुछ जो ट्राइब के लोग थे ना, ये जो यहाँ पर मरे हुए हैं, ये लोग अपने सीक्रेट्स इंसानों को बताना चाहते थे. मतलब ये लोग बताना चाहते थे कि ये लोग कैसे इम्यून रहते हैं, बट जो दूसरे विलेज के लोग थे उन वो नहीं चाहते थे कि इंसानों को भी पता चले ये सब चीज़ें. वो इंसानों से चिढ़ते थे, इसीलिए उन्होंने इन लोगों को मार डाला ताकि ये लोग उन्हें बताए ना. मतलब इन बिचारों की आपस में फाइट करा दी हमने. मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहे तो ह्यूमंस के फायदे के चक्कर में, खैर ह्यूमंस तो ये भी हैं बट नॉर्मल पीपल्स के फायदे के चक्कर में इन लोगों की आपस में फाइट हो गई. और ये वही वाला कैंप है. अच्छा टॉर्च नहीं है, वो प्रोजेक्टर है. How long can you survive on your own? Can you live with the deaths of millions? क्योंकि हाँ, हमारी वजह से millions लोगों की death हो गई. मतलब पहले वो एक अपनी बीमारी की वजह से मर रहे थे, but फिर हमने अपनी बुक के थ्रू उन्हें इलाज बताया जो एक ट्राइब के बंदों से हमें पता चला था, और फिर उसकी वजह से लोग मर गए, जिस वजह से सारा ब्लेम हमारे ऊपर आ गया कि इसकी वजह से हम इन्फेक्टेड हुए हैं. एक तरीके से सही भी है, एक तरीके से गलत भी है. बट हाँ, उनकी डेथ का रीज़न जेक हिगिंस यानी इस गेम का जो अपना करेक्टर है वही है. बाकी मुझे यहाँ से बाहर निकलना. यार सही में क्या गलत लेवल स्टोरी है ये. देखो गाइस, ये मैं कह रहा हूँ, यहाँ से अपना गेम स्टार्ट हुआ था. ये देखो, यहाँ पर मियाँ फर्स्ट टाइम जब हमने देखा था मियाँ को, यहाँ पर थी वो. ये देखो गाइस, यही है वो नोटबुक का पेज जिसके बारे में हम लोगों ने अपनी ग्रीन हेल गेम प्ले सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में पढ़ा था. और वो तो अच्छी बात है कि मुझे इस बारे में याद था. मतलब यहाँ पर काफ़ी सारे क्योर्स थे जो कि मैंने अपने दिमाग में बिठा लिए थे, उसमें से एक ये था जिस वजह से आज हम लोग क्योर बना पाए हैं. बट एक सेकेंड, अगर कोई बंदा ये क्योर नहीं बना पाता या फिर वो भूल जाए तो क्या ये गेम एंड नहीं होगी? यार सही में इस गेम का स्टोरी ना बहुत ही ज़्यादा अजीब है. मतलब बहुत ज़्यादा यूनिक टाइप है. फिलहाल यहाँ पे एक वॉकी टॉकी पड़ा हुआ है, शायद इसके थ्रू अपनी मियाँ से बात हो. एक तो बात बात पे ब्लैक स्क्रीन हो जाती है. अपने पास एक फ़ोन है जिससे हमने मियाँ को वॉइस मेल करा है. मैं अपने दिमाग में बैठा के बैठा हूँ कि वो हॉस्पिटल में मर चुकी है पर फिर उससे बात होने लगी. कुछ ये चीज़ नहीं समझ आ रही छोटी सी. मुझे पता है क्या लग रहा है. ओके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जेक हिगिंस जो है वो भी थोड़ा सा पागल हो गया है. मतलब जो अपना गेम का करेक्टर है उसे भी बात बात पे मियाँ की आवाज़ सुनाई देती है कुछ ऐसा. मेरे को एक बार ये हॉस्पिटल, हाँ हम लोग हॉस्पिटल में ही हैं, तो अभी मुझे एक बार ये हॉस्पिटल के अंदर जाके देखना होगा. यहाँ पर पक्का मियाँ ही होगी इस टाइम पे, और शायद से हमें और भी कुछ जानने को मिले इस स्टोरी के कि आखिरकार ये जेक हिगिंस को जब मालूम है कि मियाँ मर चुकी है तो फिर ये किसके इलाज के लिए. अच्छा बाकियों का भी तो इलाज है ना यार. और जैसा कि मैंने सोचा था अंदर मियाँ होगी, और शायद के 100% अंदर मियाँ ही है, और वो बिल्कुल समझ लो मरने के एक स्टेज पे ही है. ब्रीथ कर भी रही है. व्हाट हैपेंड? वाओ, लिसन, डिड यू? आई डोंट अंडरस्टैंड, व्हाई आर यू हियर? आई टोल्ड यू ऑलरेडी, आई बेग्ड यू टू एंड इट, बट यू डिडंट लिसन. You never do. Okay, ठीक है. Was it worth it? तो अभी ये समझ लो ये मर चुकी है. और मतलब ऐसा कुछ ऐसे भूत वूत जादू वादू वाला टाइप जो हम सोच रहे थे ना, ऐसा कुछ भी नहीं है इस गेम में. तो अभी अपने पास क्योर है तो हम लोग इसे यस बोलते हैं. I have the cure and now I know where to find you. Then go. What are you waiting for? कहाँ जाएं? अभी तो ये हमें रिचुअल की दुनिया में दिख रही है ना, असली दुनिया में थोड़ी दिख रही है. तो भी इसने मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल दिया है. ओ वेट, मुझे पता था भाई, मैं समझ गया क्या सीन है पूरा. तो जिस दिन हमने वो एयर स्ट्रिप से बात करी थी ना, कि वो बार बार ही हमसे पूछ रहे थे तुम्हें क्योर मिला या फिर नहीं, वो सब कुछ,
तो अभी मुझे समझ आ चुका है मुझे क्या करना है। अबे कौन है भाई, मुझे वापस से एयर स्ट्रिप पे जाना होगा। रुक जाओ, एयर स्ट्रिप कहाँ है? इस वाले मैप में भी नहीं है। ये रही एयर स्ट्रिप। एयर स्ट्रिप पे जाने के लिए मुझे 28 एंड 23 को मूव करना होगा। भाई साहब कसम से, और शायद एयर स्ट्रिप वालों को मुझे बस ये बताना है कि मैंने क्योर ढूंढ लिया, यानी वो जो बीमारी है उसका इलाज मैंने ढूंढ लिया है, और तभी वो लोग मुझे लेने के लिए यहाँ पर वापस आएंगे। मतलब जो ओमिली कॉरपोरेशन है वो भी इसीलिए यहाँ पर आई हुई थी ताकि वो इलाज ढूंढे यबगुआका विलेज के बंदों को पकड़ से, उनको टॉर्चर वगैरह करके, पूछताछ करके। बाकी यहाँ पर एक बोट है जिसका मैं यूज़ नहीं कर सकता। सामने भी एक बोट है, बोट अगर मिल जाएगी तो शायद मैं उस जगह पर जल्दी पहुँच जाऊँगा, पर नहीं, अभी मुझे कोई सीधा ही रास्ता ढूंढना होगा वहाँ पर जाने का। गाइस मेरी स्क्रीन अपने आप ब्लैक हो गई। ओके तो अभी गेम वालों ने अपने आप ही मुझे वहाँ भेज दिया है। वाओ ये भी ठीक था। अभी गेम ओ भाई क्या था भाई ये? ये देखो हैरान हो गए ना भाई। कब एक मतलब इस गेम की स्टोरी ऐसी थी जो गेम एंड होने के बाद समझ आई है। सही में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली थी, क्योंकि पूरे टाइम जो हमें बार बार ही हमारी मियाँ से बात होती थी और जो हमें मियाँ दिखती थी ना वो सब कुछ फेक था। मतलब इंसान ये सब रियल में भी होता है। मियाँ ये मर चुकी है बट हमें दिख रही है बस ऐसे, क्योंकि इस टाइम पर जेक हिगिंस का दिमाग खराब हो चुका है। सही में ये इंसानों के साथ रियल में भी होता है, ये एक बीमारी होती है जो कि जेक हिगिंस को हो चुकी है। मुझे इस बीमारी का पता नहीं, मतलब जेक हिगिंस को हर जगह बस ऐसा लगता है कि मियाँ जिंदा है और वो उससे बात कर रहा है, वो उसके साथ है, और सामने से वो प्लेन आ चुका है जो उस दिन नहीं आया था। अबे ये साथ थोड़ी आएगी। गुड बाय या थैंक यू? गुड बाय। गुड बाय मियामार। तभी ये हमेशा रिचुअल में गायब भी हो जाती थी। ओ भाई 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 फिर एकदम भाई इस टाइम पे तो गूस बम्स आ गए, जो पीछे से बज रहा है ना म्यूजिक। तो गाइस फाइनली क्यों एंड हो गया यार इस गेम का भाई? ऐसा लग रहा है अंदर से क्या मस्त चल रहा था भाई। कभी क्रोकोडाइल मिल रहा है, कभी टाइगर मिल रहा है, कभी एयर स्ट्रिप मिल रही है, कभी कुछ मिल रहा है, कभी किसी बंदे की डेड बॉडी मिल रही है, क्या क्या देखने को मिल रहा था इस गेम में। मतलब जब मैंने गेम प्ले सीरीज स्टार्ट करी थी ना तो मुझे लगा था एक जंगल एडवेंचर होगा, माइनक्राफ्ट टाइप नहीं, थोड़ा सा रियलिस्टिक टाइप जंगल एडवेंचर, पर जो कहानी थी बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। तो चलो गाइस आज की वाली गेम प्ले सीरीज यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद आप लोग को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा इस पूरी सीरीज़ को। तो अगर आप लोग को मज़ा आया तो अपने फ्रेंड, अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ इस सीरीज़ को जरूर शेयर करना। फर्स्ट एपिसोड शेयर करना, पता लगा 10th वाला ही, मतलब लास्ट वाला ही शेयर कर दिया, शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगा। बट हाँ यार ठीक है, मज़ा आया भाई, बहुत ज़्यादा बढ़िया गेम थी, कुछ मतलब बहुत ज़्यादा यूनिक गेम थी। एक जंगल एडवेंचर के नाम पे हमें कुछ अलग, जंगल एडवेंचर हुआ पर कुछ अलग ही देखने को मिला यार इस गेम में, एक अलग ही कहानी थी। हम लोग एक क्योर ढूंढने में लगे हुए थे इतने टाइम से, जो कि हमें 10th एपिसोड में आके पता चला। बाकी यार आज के इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना। इस वीडियो पर एम करते हैं 5 लाख लाइक के लिए। और हाँ मुझे कमेंट्स में जाके जरूर बताना कि क्या हमें RDR2 रेड डेड रिडेम्पशन 2 दोबारा से कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। और जो भी चैनल बने चैनल सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। तो आज की सारी वीडियो में मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।